आपके साथ अनुष्का राय, आप देख रहे हैं NHI न्यूज। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आदेश अनुसार प्रदेश भर में गुंडे माफियाओं व खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में उज्जैन जिला भी नंबर वन पर है, जहां हर रोज किसी बड़े अपराधी के अवैध बने मकान को ध्वस्त किया जा रहा है। आज भी जिला प्रशासन, पुलिस विभाग और नगर निगम की संयुक्त टीम द्वारा शहर के थाना महाकाल क्षेत्र स्थित बेगम बाग में बने हिस्ट्री शीटर बदमाश बलात्कारी बबला उर्फ शहाबुद्दीन का मकान तोड़ने पहुंची। टीम ने अवैध बने मकान को जमींदोज करने की कार्यवाही को अंजाम दिया। CSP अरविंद शर्मा ने बताया कि हम एक लिस्ट तैयार कर रहे हैं, जिसके ऊपर ऐसे गंभीर अपराध हैं, उन पर लगातार कार्यवाही की जाएगी। आज बबला उर्फ शहाबुद्दीन, जो कि थाना महाकाल का अपराधी है और 15 मामलों में पंजीबद्ध अपराधी है, हत्या का प्रयास, बलात्कार जैसे संगीन अपराध है, इस पर जिस तैयार की गई सूची के आधार पर मकान को ध्वस्त किया गया है। आगे भी यह कार्यवाही अन्य बदमाशों के खिलाफ जारी रहेगी। शहाबुद्दीन उर्फ बबला मोती, जिसपे महाकाल थाना में 15 प्रकरण दर्ज है। महाकाल थाना क्षेत्र में बेगमबाग कॉलोनी में इसने अवैध मकान बना रखा था, जिसे पुलिस एवं नगर निगम की टीम द्वारा तोड़ा जा रहा है। बबला पर 15 केस दर्ज है, जिसमें हत्या का प्रयास, बलात्कार एवं 353 जैसे संगीन अपराध दर्ज है। के अन्य जो मकान है उन पर भी तोड़ने की कार्रवाई की गई। सर, और ऐसे कैसे अपराधी है जिनको चिन्हित करके आप उनके मकानों पर कार्रवाई? जितने भी अपराधी किस के लोग हैं, उनके अवैध मकानों को चिन्हित किया जा रहा है और आगे भी निरंतर इस प्रकार की कार्रवाई पुलिस और प्रशासन द्वारा की जाएगी। सर, बबला के 10-15 साल से अभी एक भी केस ही है, सब केस में बड़े हो गया आरोप परिवार का। ऐसा 15 केस इस पे महाकाल थाने में दर्ज है और ये जो है बदमाश गुंडा प्रवृत्ति का आदमी है और इसने अवैध मकान यहाँ पर बना रखा है, इसी के इस पर संदर्भ में कार्रवाई की गई।